हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगनर। और यहाँ जो मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में आपको बताऊंगा वो एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अगर आप पहले से भी काम कर रहे हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में आपको नहीं पता, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग का जो बेसिक्स होगा वो सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और हम आगे के वीडियो में ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जब आपका ऑप्शंस ट्रेडिंग का बेसिक्स क्लियर होगा तभी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काफी अच्छे से समझ पाएंगे और उसको आप स्मार्टली यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए आपका ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में जो बेसिक्स चीज है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिले। तो यहाँ पे मैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा वो एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा। तो वो स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी में क्या है, यहाँ पे दो फ्रेंड होते हैं, राहुल और सुमित, दोनों काफी अच्छे फ्रेंड होते हैं। सुमित के पास एक अपना घर होता है और वो घर को बेचना चाहता है और घर का जो अभी प्रेजेंट कॉस्ट है वो 10 लाख रुपीज, यानी सुमित अभी अपना घर 10 लाख रुपीज में बेचना चाहता है। और उधर राहुल जो सुमित का दोस्त होता है उसको पता चलता है कि सुमित जो घर बेचने वाला है उस घर के सामने नेक्स्ट 6 मंथ में एक मेगा मॉल बनने वाला है। तो इस चीज को देख के राहुल उस घर को खरीदने में इंटरेस्टेड हो जाता। राहुल तो उस घर को खरीदने के लिए रेडी हो जाता, लेकिन राहुल के सामने यहाँ पे दो सिचुएशंस है। पहला सिचुएशन ये है कि नेक्स्ट 6 मंथ में वहां पे मॉल बन के रेडी हो जाएगा और उसके बाद जो ये हाउस का वेट होगा वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और इससे राहुल को फायदा हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, मॉल का जो न्यूज है वो एक र्यूमर था, यानी अफवाह था, 6 मंथ बाद वहां पे मॉल नहीं बनता। तो इस कंडीशन में क्या होगा, राहुल एक यूजलेस डील में फंस जाएगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस है। तो अब यहाँ पे राहुल को क्या करना चाहिए, अगर राहुल की जगह पे आप होते तो आप यहाँ पे क्या करते। तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि राहुल को ये घर बाय कर लेना चाहिए और बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि राहुल को घर ये बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिस्क है। और राहुल भी सेम डायलेमा में है, यानी सेम कंफ्यूजन में है, उसे घर बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और उधर हम सुमित की बात करें तो सुमित यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर है कि उसको घर बेचना है अगर राहुल इस घर को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो जहाँ पे राहुल कंफ्यूजन में वहीं सुमित का माइंड पूरा क्लियर। और इधर राहुल इस डील को छोड़ना भी नहीं चाहता और अपने आप को सेफ सिचुएशन में भी रखना चाहता है। तो इन सब बातों को राहुल काफी डिटेल से सोचता है और सारे सिचुएशन को काफी अच्छे से एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद वो एक स्पेशल एग्रीमेंट बनाता है। और वो ऐसा एग्रीमेंट बनाता है जिसमें राहुल और सुमित दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। तो अब वो एग्रीमेंट क्या बनाता है, उस एग्रीमेंट के डिटेल्स पे चलते हैं। एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल ये है कि राहुल आज सुमित को 1 लाख रुपए पे करेगा और ये 1 लाख रुपी जो की होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा। इसके अगेंस्ट सुमित एग्री हो जाता है राहुल को घर बेचने के लिए आफ्टर 6 मंथ। तो यहाँ पे राहुल जो वो घर आज नहीं खरीदेगा, राहुल खरीदेगा आफ्टर 6 मंथ। और राहुल ने अभी सिर्फ 1 लाख रुपीज दिया है अप फ्रंट फी या फिर एडवांस फी, जिसके एवज में वो नेक्स्ट 6 मंथ बाद उसका घर खरीद लेगा। यहाँ पे जो घर का जो प्राइस फिक्स होता है वो आज के प्राइस के अकॉर्डिंग फिक्स होता है, यानी आज जो घर का प्राइस है वो 10 लाख रुपीज है। तो यही प्राइस फिक्स होता है जो नेक्स्ट 6 मंथ बाद राहुल इस घर को 10 लाख रुपीज में खरीद ले। यहाँ पे राहुल ने अप फ्रंट या फिर एडवांस फी यहाँ पे पेमेंट किया, तो इसलिए राहुल के पास ये ऑप्शन है कि वो 6 मंथ बाद चाहे तो वो उस डील को कैंसिल कर सकता है, लेकिन सुमित के पास वो ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अगर राहुल 6 मंथ बाद उस डील को कैंसिल करता है तो जो उसने सुमित को 1 लाख रुपए अप फ्रंट या फिर एडवांस फीस के रूप में दे रखा होता वो उसको वापस नहीं मिलेगा। तो इस स्पेशल एग्रीमेंट में 4 रूल है, उसको मैं फिर से बताता हूँ। राहुल 1 लाख रुपीज का एडवांस फी पेमेंट करेगा और इस फी के अगेंस्ट में राहुल नेक्स्ट 6 मंथ बाद उस घर को खरीद सकता है और घर का जो प्राइस फिक्स हुआ वो करंट प्राइस के हिसाब से फिक्स हुआ, जो आज प्राइस है वो नहीं 10 लाख है। घर का प्राइस चाहे कल 12 लाख हो 15 लाख हो, लेकिन राहुल नेक्स्ट 6 मंथ बाद जो घर खरीदेगा वो 10 लाख पे ही खरीदेगा। और राहुल ने 1 लाख रुपए का अपफ्रंट फी पेमेंट किया है, इसीलिए राहुल के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो इस डील को कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर वो उस डील को कैंसिल करता है तो उसने जो 1 लाख का एडवांस पेमेंट किया था वो एडवांस पेमेंट उसको वापस नहीं मिलेगा। तो ये एग्रीमेंट है। तो अब इस एग्रीमेंट को देख के आपको क्या लगता है, इस एग्रीमेंट में किसको यहाँ पे फायदा हो और इस एग्रीमेंट में कौन ज्यादा स्मार्ट, राहुल ने जो एग्रीमेंट बनाया वो ज्यादा स्मार्ट है या फिर इस एग्रीमेंट से सुमित को ज्यादा फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल ने जो यहाँ पे एग्रीमेंट बनाया वो एक्सट्रीमली क्लेवर डील है और इसके कई सारे फेसेस हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे हैं इस डील में सुमित को फायदा है तो आप गलत सोच रहे हैं, इस डील में राहुल को फायदा है। वो कैसे फायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन राहुल ने जो ये डील बनाया वो काफी स्मार्ट डील बनाया। तो अब हम यहाँ पे इसके प्रपोजल को समझते हैं। तो यहाँ पे राहुल ने जो 1 लाख रुपीज का अपफ्रंट या फिर एडवांस फी पेमेंट किया उसके बदले राहुल को यहाँ पे क्या चीज मिलवा, राहुल नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हाउस को लॉक कर दे, यानी नेक्स्ट 6 मंथ तक सुमित उस हाउस को बेच नहीं सकता है। और उस हाउस का जो प्राइस है वो आज के प्राइस पे फिक्स हुआ है, यानी नेक्स्ट 6 मंथ बाद अगर उस हाउस का प्राइस 12 लाख हो या 15 लाख हो, कितना भी हो जाएगा,
लेकिन राहुल नेक्स्ट 6 महीने बाद उस हाउस को 10 लाख रुपीज में ही खरीदेगा। और एट द एंड ऑफ द 6 महीने अगर राहुल उस घर को खरीदना नहीं चाहता तो वो उस डील को कैंसिल कर सकता है, लेकिन सुमित के पास ये ऑप्शंस नहीं है कि वो डील को कैंसिल कर सकता है, डील कैंसिल सिर्फ राहुल कर सकता है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज का अप फ्रंट फीस पे किया है, लेकिन वहाँ पे राहुल को इससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा इस डील में किसको फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 6 महीने तक तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, अब जो होगा 6 महीने बाद ही, 6 महीने बाद क्या क्या सिनारियो बन सकता है उस पर हम डिस्कस कर। पहला सिनारियो में क्या होगा, फर्स्ट सिनारियो में ये होगा कि वहाँ पे मॉल बन के रेडी हो जाएगा और हाउस का जो प्राइस है वो 15 लाख पहुंच गया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट जो बाइंग प्राइस बना था वो 10 लाख बना था, तो राहुल 10 लाख में उस घर को खरीद लेगा। और राहुल का जो टोटल एक्सपेंस हुआ वो कितना हुआ, 10 लाख में घर खरीदा और प्लस 1 लाख जो उसने अप फ्रंट फीस के रूप में दिया था, तो टोटल एक्सपेंस उसका 11 लाख हुआ। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द हाउस 15 लाख, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ टोटल 4 लाख का उसको टोटल प्रॉफिट। तो पहले सिचुएशन में क्या करेगा, डेफिनेटली वो अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा, अपने राइट को यूज करेगा और 10 लाख रुपीज में उसके घर को परचेज करेगा। अब हम देखते हैं सिनारियो टू। सिनारियो टू में क्या होगा, जो वहाँ पे नेक्स्ट 6 महीने बाद मॉल बन के रेडी नहीं होता है और वहाँ पे एक पैनिक का सिचुएशन आ जाता है और जिसके कारण से सब लोग अपना घर बेचना चाहते हैं, तो उसके कारण से क्या हुआ, वहाँ पे जो घर का प्राइस है वो कम हो गया, यानी घर का प्राइस अब घट के 8 लाख रुपीज पे आ गया। तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट क्या है, सुमित को जो घर बाय करना वो 10 लाख रुपीज पे ही बाय करना और टोटल एक्सपेंस उसका कितना होगा 11 लाख, लेकिन जो घर का करंट मार्केट प्राइस है वो 8 लाख रुपीज में। तो अगर घर का करंट मार्केट प्राइस 8 लाख रुपीज में है तो सुमित 11 लाख रुपीज में उस घर को खरीदेगा, ऑब्वियस सी बात है कभी नहीं खरीदेगा और वो उस डील को कैंसिल कर देगा। तो सेकंड सिनारियो में क्या करेगा, वो उस डील को कैंसिल करेगा और यहाँ पे जो उसका लॉस होगा वो 1 लाख रुपीज का लॉस होगा। सिनारियो थ्री में क्या, प्राइस स्टेज एट रुपीज 10 लाख, यानी प्राइस 10 लाख पे ही रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता। तो सुमित का जो बाय प्राइस है वो 10 लाख है, टोटल एक्सपेंस उसका कितना है 1 लाख, उसने अपफ्रंट फी के रूप में दिया था 11 लाख, जिस हाउस का करंट मार्केट प्राइस 10 लाख है तो उसी चीज को राहुल 11 लाख में परचेज करेगा नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा वो उस डील को कैंसिल कर, तो वो डील को कब यूज करेगा, यानी उस एग्रीमेंट में जो उसको राइट मिला वो 10 लाख रुपीज में घर को परचेज कर सकता है, उस राइट को कब राहुल यूज करेगा, सिर्फ फर्स्ट सिनेरियो में जब घर का प्राइस ज्यादा हो जाएगा, यानी घर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, उसी कंडीशन में वो अपने राइट को यूज करेगा और बाकी दोनों सिनेरियो में वो राइट को यूज नहीं करेगा, चाहे घर का प्राइस सेम रहे या फिर नीचे जाए। अब यहाँ पे एक चीज और आप सोच रहे होंगे कि उस डील से राहुल को कैसे फायदा, राहुल को इसलिए फायदा था कि राहुल का मैक्सिमम लॉस पता था, उसको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता था, मैक्सिमम लॉस 1 लाख का हो सकता था, जो कि उस डील में इंटर करने से पहले उसको पता था जो यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा वो 1 लाख होगा, और उस 1 लाख के बेसिस पे उसको कितना प्रॉफिट हो सकता था अगर यहाँ पे मॉल बन जाता और प्राइस इंक्रीज हो जाता, तो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे उसको 4 लाख का प्रॉफिट हो सकता था, यानी 400% का प्रॉफिट का चांसेस था। इसी कारण से यहाँ पे जो राहुल को है इस डील में काफी ज्यादा फायदा हो सकता था। तो यहाँ पे राहुल के लिए निगेटिव कोई भी ज्यादा सरप्राइज नहीं, उसको पता है जो मेरा मैक्सिमम लॉस 1 लाख है, उससे ज्यादा निगेटिव सरप्राइज राहुल के लिए कुछ नहीं। तो इसी तरीके से जब आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता होगा जो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे लिमिट नहीं हो सकता है। जो घर का प्राइस हमने 15 लाख लिया, मॉल बनने के बाद घर का प्राइस और इंक्रीज हो जाए, 18 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए, तो अपर प्राइस यहाँ पे फिक्स नहीं है, लेकिन लोअर प्राइस मेरा फिक्स है, यानी लॉस कितना हो जाएगा वो मेरा फिक्स है, प्रॉफिट कितना होगा वो फिक्स नहीं। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या, विदाउट द हाउस एग्रीमेंट हैज नो वैल्यू, एग्रीमेंट का जो वैल्यू था वो हाउस के बेसिस पे था, अगर हाउस नहीं होता तो फिर उस एग्रीमेंट का भी कोई वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाउस जो कि हो गया वो अंडरलाइंग एसेट्स हो गया और एग्रीमेंट क्या हो गया, वो डेरिवेटिव्स हो गया, और इसी एग्रीमेंट्स को हम ऑप्शंस एग्रीमेंट बोलते हैं। और राहुल जो कि था जो घर को बाय करना चाहता था वो यहाँ पे ऑप्शंस बायर है, और सुमित जो घर को सेल करना चाहता वो यहाँ पे ऑप्शंस सेलर या ऑप्शन राइटर है। तो इसी तरह का सिचुएशंस आपको रियल मार्केट में भी मिलता है, और वहाँ पे जो स्टॉक्स का डिलीवरी में प्राइस होता है या कैश में जो प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट्स, बाकी जो भी फ्यूचर या ऑप्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। अब हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट के टर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी स्टॉक्स का प्राइस 100 रुपया और उसका प्रीमियम अमाउंट है 5 रुपीज, तो प्रीमियम अमाउंट दे के हम उस एग्रीमेंट में आ गए। तो उसके बाद नेक्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ जब तक का भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब भी हम चाहें तो स्टॉक्स को 100 रुपए में परचेज कर सकते, चाहे स्टॉक्स का प्राइस कितना भी चले। तो पहला केस क्या होगा, स्टॉक्स का प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 110 रुपए हो गया, तो यहाँ पे मेरा टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, मेरा 105 रुपए हो गया, करंट मार्केट प्राइस है 110 रुपए, तो यहाँ पे प्रॉफिट मेरा हुआ 5 रुपीज का। केस टू में क्या होगा, स्टॉक्स का प्राइस 95 चला गया, तो जो स्टॉक्स का करंट मार्केट प्राइस 95 है उसी स्टॉक्स को हम 100 रुपए में बाई करेंगे, कभी नहीं बाई करेंगे,
हम क्या करेंगे, अगर बाई करना होगा तो हम करंट मार्केट से बाई कर लेंगे, हम राइट को यूज नहीं करेंगे। थर्ड सिनारियो में क्या करेंगे, प्राइस 100 रुपीज पे रहता है, तो जब कोई भी स्टॉक्स का करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए है तो उसको हम 105 रुपए परचेज करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ पे भी हम अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर हमें बाई करना होगा तो हम मार्केट प्राइस से बाई करते हैं। तो हम जो राइट को एक्सरसाइज करते हैं या राइट को यूज करते हैं वो सिर्फ फर्स्ट सिचुएशन में यूज करते हैं जब स्टॉक्स का प्राइस ऊपर चला जाता है, बाकी दो सिनारियों में क्या करते हैं, हम राइट को यूज नहीं करते, यानी अपने राइट का एक्सरसाइज नहीं करते और डील को कैंसिल कर देते हैं और मेरा जो लॉस होता है सिर्फ प्रीमियम अमाउंट का लॉस होता है। तो जो चीज का प्राइस 100 रुपए है उसी चीज को हमने कितने रुपए में डील कर लिया, 5 रुपए में डील कर, यानी सिर्फ हमने 5 रुपीज में 100 रुपए के सामान को डील कर दिया। और वही सिचुएशन था पहले, जो घर का जो प्राइस था वो 10 लाख रुपीज था, लेकिन राहुल ने एक स्मार्ट एग्रीमेंट बनाया और उस एग्रीमेंट के बेसिस पे उसने जो सारा कुछ डील किया वो 1 लाख रुपीज में डील। तो ये है ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक्स। ऑप्शन ट्रेडिंग में सारा कुछ जो काम करता इसी तरीके से काम करता। सो आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यानी तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।